तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। खुशामदीद, बात हो रही है फरदौस मार्केट अंडरपास प्रोजेक्ट जो कि तखीर का शिकार हो चुका है। दूसरी जानिब लाहौर एंट्री गेट मंसूबा जिसे बाबे लाहौर कहा जाता है वो भी तखीर का शिकार है। आपने जो है प्रोग्राम में शुरू में एलडीए की जानिब से जो तारीख दी गई थी वो भी आपने सुनी, मुख्तलिफ हमने प्रोग्राम भी किए। जो फरदौस मार्केट अंडरपास है उसकी डेट जो है वो 4 सितंबर 2020 दी गई, वो भी डेट गुजर गई। और जो बाबे लाहौर है उसकी हमें जो लास्ट टाइम तारीख दी गई थी वो 6 सितंबर 2020 दी गई थी। अब लास्ट टाइम जिन्होंने तारीख दी आम रियाज कुरैशी साहब एलडीए गवर्नर बॉडी के मेंबर हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। हम इनसे दोबारा डिस्कशन करेंगे क्या वाकई मनसूबा तखीर का शिकार है या क्या वजूहत है इसके पीछे, इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर बड़ी मेहरबानी, आपने हमें दोबारा वक्त दे दिया। अब दोबारा हम आपसे तारीख तो पूछेंगे लेकिन उससे पहले एक तो चीज़ें जो हैं वो लोगों के लिए जानना बड़ी ज़रूरी है कि असल सूरत हाल है क्या। हमारे पास जो दो प्रोजेक्ट जो हैं इस गवर्नमेंट ने शुरू किए, एलडीए जो है वो काम कर रहा है। पहले हम आ जाते हैं फरदौस मार्केट अंडरपास पे। सीएम साहब गए, 4 माह का प्रोजेक्ट था, सीएम साहब ने कहा नहीं जी 3 माह में इसको ख़त्म करें जी, बड़ी अच्छी बात है, लोगों को फ़ायदा होना था। लेकिन अभी तक वहाँ काम नज़र नहीं आ रहा हमें कि वाकई ये अगले माह भी हो जाए, क्या कहेंगे? नहीं, बात यह है कि असल में ये जो प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया गया था उसका जो टाइम कैलकुलेट किया गया था वो किया गया था 4 माह के ऊपर। ठीक है। अच्छा, क्योंकि सीएम साहब ने लोगों की मुश्किलात को देखते हुए एलडीए को स्क्रू किया कि आपने इस प्रोजेक्ट को 3 महीने में करना है, तो एलडीए ने भी उसके ऊपर पूरी कोशिश शुरू कर दी। ठीक है। अच्छा, जब आप किसी प्रोजेक्ट की टाइमलाइन देते हैं 90 डेज या 120 दिन, तो उसका मतलब ये होता है कि आपने 90 डेज या 120 दिन आपने साइट के ऊपर काम करना है और साइट के ऊपर काम होना है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट शुरू किए गए इसमें 2-3 बहुत बड़ी मुश्किलात का हमें जो सामना रहा, सबसे जो इम्पोर्टेंट और मुश्किल जो रही वो पहले नंबर पे तो कोविड-19 का जो पूरी दुनिया में दुनिया उसका सामना कर रही है। अच्छा, उसमें होता यह कि साइट के ऊपर तो काम चल रहा होता है लेकिन बाज़ बात आपको जो सप्लाई आनी होती है, स्टील की सप्लाई आनी है, आप रेलिवेंट इंडस्ट्री बंद थी, वो बंद थी और वो आपके जो आर्स हैं वो बाद में दिनों में तब्दील हो जाते हैं, जो घंटे हैं वो दिनों में तब्दील होते हैं, जिसकी वजह से मैं ये अभी भी समझता हूँ कि फरदौस मार्केट पे जिस तरह हमारी एलडीए की टीम ने काम किया और जितनी वहाँ पर मेहनत की वो खराज तहसीन है जिस तरह के हालात हैं। चूँकि ये शुरू में ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया गया 120 दिनों के ऊपर था और हमने तो लोगों की बेहतरी के लिए, आवाम की सहूलत के लिए इस टाइम को स्क्रू किया। अच्छा, दूसरा इसमें जो बड़ा फैक्टर इस दफ़ा आया वो आपने पिछले 20-25 दिनों में देखा कि वो गो के ये मानसून का तो सीज़न है लेकिन शायद इस दफ़ा मानसून भी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बारिश ज़्यादा आ गई। लाहौर में 171 मिलीमीटर तक भी बारिश रिकॉर्ड की गई और उन दिनों में हम जो बैरल है उसकी एक्सक्वेशन कर रहे थे और हमारा पायल वर्क कंप्लीट था और हमारा खुदाई का अमल था। अब खुदाई में ये हमें जो प्रॉब्लम आई कि जब हम खुदाई करते थे और अगले ही दिन उसके ऊपर बारिश असरअंदाज होती थी और वो दोबारा वो फिल हो जाता था और उसको हमें करना पड़ता था, डिवाटरिंग करनी पड़ती थी, पानी बाहर निकालना पड़ता था और हमारी एक्टिविटी एक दिन चलती थी और उसके बाद फिर जो है यही इसी तरह का सिनेरियो रहता था। ये मैं समझता हूँ ये जो है एक मेजर इसमें ये भी एक वजह है जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट जो है वो मैं अभी भी इसको तखीर की नज़र में नहीं ले रहा। वो इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि इसकी डेडलाइन जो हमने जो डिज़ाइन की जो इंजीनियर्स ने वो अक्टूबर की 5 सीएम साहब के कहने पे वो हमने उसके ऊपर, लेकिन मैं ये समझता हूँ हमारे लिए सीएम साहब की डेडलाइन की अहमियत नहीं, मैं ये समझता हूँ कि इसकी बहुत बड़ी अहमियत और हमारे लिए ये बड़ा एक ज़बरदस्त चैलेंज भी था और लोग हमारे जो वर्कर्स हैं एलडीए की टीम है उसने भी इसके अकॉर्डिंगली काम किया। मैं समझता हूँ सीएम साहब ने हमें डेफिनेटली 30 दिन का शॉर्ट टाइम दिया जिसमें हमने कोशिश करके इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट जो इसकी एक्चुअल डेट थी उससे पहले ये अगले
उम्मीद है मैं कर रहा हूँ, क्योंकि आज की आज जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो नीचे से इसकी बैरल जो है वो थ्रू हो गई है, ठीक है, यानी कि नीचे से सारा जो एक्सकवेशन का अमल है, ऊपर इसकी छत भी मुकम्मल है, इसका पाइल वर्क भी मुकम्मल है, टेस्ट ड्राइव भी कर रहे हैं एक दो दिन में इंशाल्लाह। उम्मीद है कि इसमें पहला तो यह है कि पहले तो इसकी होनी है, अब एक रोड का अमल होता है जिसमें बेस सब बेस उसके ऊपर अस्फाल्ट का एक अमल। अच्छा, मुझे एक सवाल यह बड़ा बुनियादी है कि जब आपने प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया, डेफिनेटली आपने अंदाजा लगाया इतने माह लगेंगे, उसका पेपर वर्क हुआ, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनी, उसमें कहीं ना कहीं जिक्र तो आया होगा कि भाई अगले किसी माह में मॉनसून आ रहा है उसका क्या करना है, तो पहले से कोई प्लान नहीं किया गया मॉनसून के वाले से? मॉनसून को देखा तो जाता है, लेकिन कतन ऐसा नहीं होता कि क्या बारिशों के सीजन में आपने दो महीने लेबर को भी घर बिठा देना और इंजीनियर्स भी फारग होंगे। उसका टाइम तो कैलकुलेट किया है ना सर, तो चीजों को देखा जाता है, लेकिन जो आप वर्किंग डेज उस पर लेते हैं ना नॉर्मली, अब नॉर्मली प्रोजेक्ट के ऊपर आपकी जो ईद की हॉलीडेज है वो कंसिडर नहीं होती, आपके अशूर मुहर्रम के दिन है। अच्छा, उसमें होता ही है, मैं आपको बताऊँ, अब ईद के दिनों में भी हम तो कोशिश करते हैं पूरा काम करने की भी, मुहर्रम के दिनों में हमने कोशिश की पूरा काम करने की, हमारी टीम वहाँ मौजूद, हमारे इंजीनियर्स मौजूद, लेबर मौजूद, लेकिन जो आपको सप्लाई आनी होती वेंडर्स की तरफ से, वेंडर्स की तरफ से होती है, उसमें प्रॉब्लम्स आती है। फंड का तो कोई मसला नहीं अभी तक, बिल्कुल 1%। अच्छा, मुझे आपको बता दें कि क्या तारीख एक्सपेक्टेड, नई तारीख दे दें आज हमें, आप हमें तारीख ही देते जा रहे हैं। नहीं नहीं, कोई आपको मुझे बता दें, फरदौस मार्केट का हमने प्रोग्राम किया उसके ऊपर कोई मैंने तो वही चार जो पहले कहा गया था सीएम की तरफ से, मैंने 4 अक्टूबर आपके प्रोजेक्ट की डेट थी, आप मुझे लेटेस्ट आवाम के लिए खुशखबरी बता दें, कोई एंड ऑफ दिस मंथ सितंबर, यानी अक्टूबर फर्स्ट वीक में हम ये समझें कि चल रहा होगा। चले, अब हम बात कर लेते हैं बाबे लाहौर की। माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत दरवाजा बना रहा है, मैं देख के आया हूँ आज के प्रोग्राम में, और उसमें चेंजिंग आई है, काफी तब्दीली भी आई है, छोटी छोटी टेक्निकली चीजें मैंने देखी है बन रही है। अब उस अवाम का क्या कसूर है जो वहां से गुजरती है और कहती है या अल्लाह मेरी गाड़ी को नुकसान ना हो जाए, कोई चीज ना गिर जाए, अभी तक काम जारी है। अच्छा, उसके ऊपर पहले तो मैं 6 सितंबर सर आपने डेट दी थी, मुझे याद पड़ता है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं आपको एक क्लैरिटी कर दूं, अवाम के लिए तो एक दिन के लिए भी वो रास्ता नहीं बंद हुआ, कोई एक दिन एक लम्हा मुझे बता दें। लोड बढ़ता है ना, ट्रैफिक लोड लाहौर का मेन एंट्री पॉइंट है सर, लाहौर का मोटरवे आ रही है, मुल्तान रोड आ रहा है, लोग डिस्टर्ब तो होते हैं ना, एक एक ट्रैक बंद है। ना ना, ट्रैक बंद नहीं है, आप वहाँ देखिए सर, 3 ट्रैक है, 1 ट्रैक बंद है, मैं देख के आया हूं। जो उसकी शटरिंग लगाई हुई है वो बिल्कुल उसकी दीवारों के साथ है, और जो सेंटर वाली शटरिंग है वो भी इसी तरह है। अब उसके ऊपर, इसके ऊपर भी ये मैंने जो पहले आपको 2 या 3 फैक्टर गिनवाए हैं जिसमें COVID-19 है और मॉनसून है। अब देख रहे हैं बारिश हो रही है तो वहाँ पे ग्राफी का काम और या कोई टाइल का काम हो रहा है, वहाँ पे जाली लगनी थी, वहाँ पे चूँकि HSE की वजह से, हेल्थ सेफ्टी की वजह से जब बारिश हो रही है तो कोई बंदा क्रेन के ऊपर चढ़ नहीं सकता, चढ़ के ऊपर नहीं चढ़ सकता, ऊपर से लाइनें भी गुजर रही हैं, तो वो ज़रूरी है हमारे लिए कि बारिश के दिनों में इनसे सारी चीज़ों को कंट्रोल करना है, क्योंकि इंसानी जान में समझता हूँ सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है, और प्रोवाइड बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल इंसानी जान है। इसके लिए चूँकि पिछले 10-15 दिन ना लाहौर में आपको पहले भी अर्ज किया है कि बारिशें जो है वो खिलाफ तवक्को। सर बिल्कुल ठीक है, आप मुझे बता दें कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके पास अवेलेबल नहीं है, किसी मुल्क से मंगवानी है कि वहाँ पे जो लगनी है वो क्यों, मतलब क्यों नहीं चीजें आ रही सर? कोई ऐसा कोई इम्पोर्टेड चीज मंगवा रहे हैं, कोई कैलीग्राफी हो रही है, कोई उसकी लेबर बाइज मंगवा रहे हैं वहाँ पे? आप देखें ना जिस तरह वो जाली का काम हो रहा है और वो आर्चें बन रही हैं ऊपर लगनी है, लेकिन आज आपने देखा है कि काम मेरा ख्याल है 5-7% रह गया, काम उसका कंप्लीट है, जाली लगनी है। लोग जो है ना कल रात भी, मुझे पता है रात 9-10 बजे जब रात का टाइम होता है, ये शाम का लब दफातर से निकलते हैं, यूँ जैम पैक हो जाता है, लंबी लाइनें लग जाती हैं। कल मैं पूरे 10:30 बजे ठोकर से मैंने लाहौर में एंटर हुआ हूँ, ठीक है, उस वक्त प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम क्या होता है उस वक्त? इस वक्त इस वजह से एंट्री पॉइंट्स लाहौर के सब एंट्री पॉइंट में रश होता है, उसकी वजह यह होती है कि आपकी जो हैवी ट्रैफिक है वो 10:30-11 बजे के बाद लाहौर शहर के अंदर एंटर होती है, और जिसकी वजह से लाहौर के सारे पॉइंट्स ना कि ठोकर नियाज बेग सब के ऊपर ये चोकिंग होती है। अब ये इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन भी चेंज हुआ था शुरू में, जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ है, और अब मेरा ख्याल है कि कोई इतनी ज़्यादा इसमें तखीर वाला मामला नहीं रह गया, शायद तो 5-7% काम है जिसमें जाली लगनी है और इसकी जो आर्चें बनी है उसका काम रह गया, और इसके ऊपर एक दारू शरीफ का
लिखा जाना है, बस ये काम रह गया और उम्मीद है एंड ऑफ दिस मंथ ये भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। डेट तो दे दें सर, एंड ऑफ दिस मंथ तो हमें पता ही है, एंड ऑफ दिस मंथ तक से आपने डॉक्यूमेंट में लिखी होगी डेट ऑफिशियली से मुराद आपको 27-28 सितंबर के करीब इसको इंशाल्लाह इसको भी कम्प्लीट कर चालू कर देंगे। ये वाम के लिए खुशखबरी है, इंशाल्लाह खुशखबरी है दोनों प्रोजेक्ट के हवाले से कि इस महीने के एंड पे ये दोनों प्रोजेक्ट जो है वो इंशाल्लाह आवाम के लिए खोल दिए जाएंगे, खोल दिए जाएंगे। चले बहुत शुक्रिया जी आमिर रियाज कुरैशी साहब, गवर्नर बॉडी के जो मेंबर हैं एलडीए के मेरे साथ मौजूद थे। अब जो है वो ये कहा जा रहा है कि फरदोस मार्केट अंडर पास और बाबे लाहौर जो कि ठोकर नाज बेगपुर बन रहा है, ये एंड ऑफ दिस मंथ यानी सितंबर के आखिरी जो वीक होगा 24-25-26-27 सितंबर जो है ये डेट एक्सपेक्टेड दे रहे हैं कि ये चालू कर दिए जाएंगे। आम आवाम के लिए खुशखबरी है कि लोग गुजरना शुरू हो जाएंगे। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई एलडीए जो है अपने जो डेडलाइन है उसको मीट करता है या नहीं करता, या पहले जैसे मानसून के फैक्टर है या दीगर को फैक्टर तो नहीं सामने आएंगे। लिहाजा हमें ये उम्मीद करनी चाहिए, मुझे भी ये उम्मीद है, आपको भी उम्मीद करनी चाहिए कि ठीक है ये इन्होंने जो डेडलाइन दी है हम उसको वेट करते हैं कि उसमें काम क्या होगा, या शायद हमें दोबारा प्रोग्राम करना पड़ जाए, ये तो एंड ऑफ दिस मंथ ही बताया जाएगा। या वो प्रोग्राम का वो ख़त्म हो जाता है। अपने मेज़बान ज़ुबैर साहिद ढिल्लों को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।